awesome. I loved it. ये टैटू आपके हस्बैंड का नाम है या आपके बॉयफ्रेंड का? इन दोनों में से किसी का भी नहीं, ये मेरी लाइफलाइन है। फाइन। इतनी सीढ़ियों से गिरने के बाद भी तुम और बच्चा सेफ है, ये चमत्कार से कम नहीं है। ये पेन किलर जरूरत पड़ने पर दीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर, आइए मैं छोड़ता हूँ। थैंक यू, इट्स ओके। थैंक यू। ठीक हो अभी? हाँ हाँ, वहाँ कुछ नहीं, दवाई रहने दीजिए, हम खा लेंगे। फिलहाल हमें आज आपको कुछ देना है। कहाँ जाने की तैयारी? ये लीजिए डाइवोर्स के पेपर्स, जैसा आपने कहा था साइन कर दिया है हमने। लीजिए, कुछ सालों के लिए ही सही, हमारे माता पिता ने बचपन में जो रिश्ता तय किया था उसे आपने बहुत अच्छे से निभाया। हम आपके लायक कभी थे ही नहीं, ये समझने में हमें 1.5 साल लग गया। जिस रिश्ते को आप जबरदस्ती निभा रहे थे, आज हमने आपको उससे आजाद कर दिया। आप अवनी के साथ शादी करके खुश रहेंगे। मुझे माफ कर दो। अच्छा, जो हमारी कोख में पल रहा है अब बस यही हमारे जीने का सहारा, हमारी जिंदगी है ये, इसे हमारे पास रहने दीजिए। हम बस इतना ही चाहते हैं आपसे। मैं तुम्हारी आहट भी पहचान जाती हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? कभी लेट नहीं होते, और आज कैसे लेट हो गए, वो भी अपने बर्थडे के दिन? नॉट फेयर। और मैं तुम्हें फोन भी तो कर रही थी, तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। तुमको पता है ना मैं ऑफिस में काम करता हूँ। आज पेडे था, लेबर्स को पैसे देने थे। छोड़ दूं ये सब। सॉरी। अच्छा देखो ना कैसी लग रही हूँ मैं। अच्छा मैं भी रेडी हूँ, तुम्हारा बर्थडे केक भी रेडी है। ओह, और तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट भी। क्या है मेरा बर्थडे प्रेजेंट? ये देखो। सो स्वीट। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ तुमसे है। अब चलो उठो, हमें केक काटना है। उठो। उठो। चलो 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 चलो। ये लो। एक सेकेंड, तुम आज फिर उसके पास गए थे? हाँ, आज आपका जन्मदिन है ना, हम आपको आखिरी बार टीका लगाना चाहते हैं। आज के दिन भी उसने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा ना, वो हमारे लाइफ से कब चाहेगी? सुदीप, मैं तंग आ चुकी हूँ, हमेशा हर चीज में मीरा क्यों आ जाती है? रिलैक्स, का एक्सीडेंट हुआ है बेचारी का, डॉक्टर से मिलवाना था उसे। थैंक गॉड माँ और बच्चा दोनों सेफ। यानी तुम ऑफिस से नहीं आ रहे, तुमने मुझसे झूठ बोला। यार अकेली है वो, मेरी वाइफ थी, उसके पेट में बच्चा है, मेरा है। सुदीप,
मैं भी तो यहाँ अकेली हूँ ना। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना अभी। तुम्हें सुनना पड़ेगा। अरे नहीं सुनना है। सुदीप सुदीप मेरी बात फिनिश नहीं हुई थी ना और तुम वहां से इधर भागकर आ गए। ये सब उस मीरा के कारण हो रहा है। मैं जानती हूँ। पता है मैं ना उस मीरा से तंग आ चुकी हूँ। अरे स्टॉप इट यार, स्टॉप इट। कान से खून आ जाएगा अब मेरे। रुको। ये देखो। क्या है ये? अरे देखो ना, डिवोर्स पेपर्स हैं। और ये देखो, मीरा के साइन भी हैं इस पे। उस बेचारी को कुछ नहीं चाहिए मुझसे। वो बस मेरा बच्चा पालना चाहती। वो भी यहाँ नहीं, हम सबसे दूर अपने गांव में। अब ये सब गलत लग रहा है मुझे। सुदीप, गलत को तो तुम सही करने जा रहे हो मुझसे शादी करके। और अगर मीरा सच में चाहती है कि वो खुशी खुशी यहाँ से जाए तो मैं भी उसे खुशी खुशी यहाँ से भेजना चाहती हूँ। मैं उसके और तुम्हारे रिलेशनशिप के एंडिंग को हैप्पी एंडिंग बनाना चाहती हूँ। चल बाय। दीदी, वो मीरा दीदी आई है। तुम? वो एक्चुअली मैंने मीरा को बुलाया था। मैं सोच रही थी कि मीरा के गांव जाने से पहले सारे गिले शिकवे दूर हो जाते तो। थैंक यू अम्मी, तुमने मेरा दिल का बोझ आधा कर दिया। थैंक यू अम्मी। बैठो यहाँ पे, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, हम आपको स्टेशन छोड़ने आएंगे। बाय। आओ। सुनीता। जी दीदी। तू ना अभी चली जा, बाद में आना है ना। दीदी अभी तो किचन में काम बाकी है। चलेगा, मुझे मीरा दीदी से अकेले में कुछ बात करनी, तो तू घर जा। ठीक है। तो तुम गांव जा रहे हो? हाँ हाँ सुदीप, अब तुम्हारे हैं। हम तो कभी उनके लायक थे ही नहीं, पर अब वो तुम्हारे साथ खुश रहेंगे। देखो ये सब मुझे पहले से पता है, तुम्हारे स्टैंप की जरूरत नहीं। गॉट इट? हम अपने बच्चे के साथ जी लेंगे, लेकिन तुम दोनों की लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे, ये वादा है हमारा। वादा तो प्रूव करो कि अपना वादा निभाओगे। बोलो, कर सकती हो? नहीं ना, दो मिनट ही रुको। इसे पागल हो गई हो तुम? देखो मैं ना इस बच्चे बच्चे के नाटक को खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। आओ सुदीप, तुमको छोड़ने के लिए स्टेशन जाएगा, फिर कल को उठ के वो तुम्हारे बच्चे से मिलने के लिए आएगा, और ऐसे वो कोई ना कोई बहाने से तुम्हारे पास आता रहेगा, तुमसे मिलता रहेगा, तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने सुदीप को तलाक दे दिया है। देखो तक तुम्हारा ये बच्चा रहेगा ना, तुम्हारा और सुदीप का रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा। इनफैक्ट कल भी मैंने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का देकर तुम्हें मारने की कोशिश की थी। वो तुम थी? हाँ मैं थी। चलो अभी फटाफट खाओ और इस बच्चे के सिलसिले को ना आज ही खत्म कर दो।
तुम जैसी औरत को ना सनकी कहते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जा रहे हैं हम। सोना और पीतल अगर दोनों सामने हो तो देखकर ही कोई भी बता दे कि क्या असली है और क्या नकली, लेकिन इंसान को देखकर यह बता पाना कभी संभव नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। जो औरत पति की खुशी के लिए वैवाहिक जीवन त्याग दे, साफ मन से पति का साथ छोड़ने को राजी हो जाए, उसका दिलो दिमाग संकीर्ण तो कहीं से भी नहीं है। लेकिन सुदीप सोने को परख नहीं पाया और उसकी यही नासमझी मीरा की हत्या का कारण बनी है। सही को छोड़कर गलत का दामन थामने का भारी नुकसान हो चुका है। प्यार में असुरक्षा का भाव अवनी पर सनक की तरह हावी है और ये पागलपन किस हद तक खतरनाक है ये आप भी देख चुके हैं। मीरा को तो संभलने का मौका तक नहीं मिला, क्या सुदीप वक्त रहते संभल पाएगा? बाबूजी, वो दीदी फोन नहीं उठा रही है। दुखी है बेचारी, किस मुंह से बात करेगी, पति का घर छोड़ के आ रही है। लो जी, आगे आपका राजेंद्र नगर। भैया आप ना वैशाली नगर ले चलो। जी आ गए भैया, अन्नपूर्णा ले लो ना। अब ना अब रेलवे स्टेशन ले चलो। हाँ मैडम जी, पहले तो ये बताओ कि चक्कर क्या है, आपको जाना कहाँ है, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, बस घुमाए जा रही है, क्या मतलब इसका? देखो भैया, सबसे पहले ना ये बदतमीजी से बात करना बंद करो, ठीक है? आपको पैसे दे रही हूँ ना मैं पूरे, ले चलो चुपचाप अपना ना ऑटो चलाओ, बकवास ना करो। हाँ सुदीप बोलो। अवनी, वो मीरा घर से निकली क्या? वो घर पे ताला लगा हुआ है उसके। तुम पुलिस की तरह मुझसे क्यों इंक्वायरी कर रहे हो? बाबा मैं पूछ रहा हूँ, ट्रेन का टाइम हो गया है, उसको छोड़ने जाना था ना इसीलिए। सुदीप तुम ना घर आ जाओ, मीरा ट्रेन में बैठ चुकी होगी, वो लेट हो गई थी तो अगर घर जाती तो और भी लेट हो जाती, उसकी ट्रेन छूट जाती, राइट? तो मैंने उसे यहीं से डायरेक्टली टैक्सी में बिठा दिया। अच्छा, मुझे फोन भी नहीं किया उसने। अच्छा सामान लगेज भी तो लेना होगा ना उसको। सुदीप लिसन टू मी, मीरा जा चुकी है तो उसके पीछे भागना बंद करो, भूल जाओ उसे। और अगर मेरी थोड़ी सी भी पड़ी है ना तुम्हें तो घर आ जाओ, समझे तुम? देखो अवनी, मैं मीरा से बिना मिले नहीं रहूंगा, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। ओके फाइन, ठीक है, जो मर्जी करो, फिर योर कॉल, बाय। अजीब बात है, ना कोई कॉल ना मैसेज, क्या हो गया मीरा को अचानक? देखो रिंग जा रही है, उठा नहीं रही,
पता नहीं क्या हो गया इसको। सुदीप मेरी बात सुनो, तो जो तुम्हारे सामने है तुम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, और जो तुम्हें छोड़ के भाग गई है तुम उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो। मेरी बात सुन ही नहीं रहे, तुम बार बार फोन पे फोन लगाए जा रहे हो। वो यहाँ नहीं है फिर भी हम दोनों के बीच इश्यूज क्रिएट कर रही है, पर तुम हो कि मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो। अरे पर वो बार-बार कुछ नहीं होता सुदीप, कॉमन सेंस से ये कि ट्रेन में नेटवर्क नहीं होता है। वो अकेली है इसलिए मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज मैं टेंशन नहीं लेता। उसके साथ कोई होता तो आई वुड हैव बीन फाइन। सुदीप अकेली मैं भी हूँ, पर तुम हो कि तुम्हें मेरी कोई पड़ी ही नहीं है। सुदीप मीरा तुम्हारी पास्ट थी और मैं तुम्हारी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों, पर तुम हो कि बार बार भी मीरा मीरा बस मीरा का ही जप लगा के रखे हुए हो यार तुम। I'm sorry. फोन हटाओ तुम, बस फोन में लगे हुए हो। नहीं करूंगा अभी कुछ नहीं, अभी ओनली अपनी। ओके मैं फ्रेश हो गया हूँ। कुछ खाने को है ना, मैंने पकौड़े बनाए थे। ठीक है तो तुम वो ले आओ, मैं फिर शुक्रिया। हेलो हेलो पंकज, मीरा पहुंची क्या घर? नहीं अभी तक नहीं पहुंची। अच्छा सुनो, जैसे ही पहुंचे तुरंत मुझे फोन कर देना, ठीक है? देखिए आपको ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या बकवास कर रहे हो, मीरा मेरा कॉल ही नहीं उठा रही है, कब से कॉल कर रहा हूँ। फोन नहीं उठा रही है तो आपको क्यों फिक्र हो रही है? हाँ आपने तो उन्हें छोड़ दिया है ना, हमारी बहन है हम देख लेंगे। किससे बात कर रहे हो तुम, मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना तुम? नहीं वो ऑफिस का काम था। सुदीप ठीक है मैं निकलता हूँ, शाम को आता हूँ, बाय। भैया आधा किलो कीमा देना। जी मैडम अभी लेके आया। बदबू आ रही थी। हाँ वो मैंने पेस्ट कंट्रोल किए, तो तू रूम में मत जाना, ठीक है? ठीक है मैं बाकी का काम करूँगी। नहीं नहीं सुन, मैं पूरे घर में पेस्ट कंट्रोल करने वाली हूँ, तो तू आज छुट्टी ले ले, कल आ जाना, ठीक है? ठीक है। The number you are trying to call is currently not reachable.
हाँ जी जी। हेलो पंकज, दीदी पहुंची है? ट्रेन का चप्पा चप्पा छान मारा है, एक एक सीट चेक कर लिया, पर दीदी का कहीं पता नहीं चल रहा है। एक एक पैसेंजर से पूछताछ कर ली, उनकी माने तो दीदी ट्रेन में चढ़ी ही नहीं। मतलब वो वहाँ पहुंची ही नहीं है? दीदी कहाँ है जीजा जी? क्या बात कर रहा है? खुद परेशान है, खुद ढूंढ रहा हूँ मैं उसे। मुझे पता होता तो मैं तुमसे थोड़ी पूछता। जीजा जी ड्रामा बंद कीजिए, ये जो आप खेल खेल रहे हैं ना, हम सब समझते हैं। अगर दीदी नहीं मिली ना तो हम बताते हैं आपको। अवनी, मीरा शायद गायब हो गई है, वो ट्रेन में ही नहीं चढ़ी। सुदीप, मेरा बच्ची तो है नहीं, खे अपने आप गायब हो जाएगी, तो अपनी मर्जी से गई है, और हम है कि यहाँ उसके चक्कर में अपना सुख चैन लुटा के बैठे। और आजकल तुम कुछ उसके नाम की माला ज्यादा ही नहीं जपने लग गए हो, तुम्हें मेरी तो फिक्र है ही नहीं। सुदीप, हमें बहुत सारे काम करने हैं, हमें हमारी एंगेजमेंट और वेडिंग की तैयारी करनी है, शॉपिंग करनी है, पर तुम्हें तो ध्यान ही नहीं है कुछ भी, और स्पेशली हनीमून की भी तो तैयारी करनी है ना। अच्छा बताओ ना, कहाँ जाएंगे हम हनीमून पे? हाँ अपनी, मेरा मूड नहीं है इस वक्त, ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। खाना तो खा लो। भूख नहीं है। एटलीस्ट दूध तो पी लो। मैं दूध ला रही हूँ बस। अरे कंबल निकाल रहे हो यार। तुम क्यों निकाल रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारे सारे काम करने के लिए। अरे ठीक है, निकाल लेता हूँ। मैंने बोला ना तुम नहीं करोगे। लो दूध पकड़ो। ओके। जाओ बैठो उधर। निकाल रही। Good night. अपराध के ज्यादातर मामलों में अक्सर भरोसा ही कमजोर कड़ी साबित होता है, और ये केस भी इसी की वानगी है। सुदीप को अवनी पर भरोसा है, और उसी भरोसे के साथ अवनी खिलवाड़ कर रही है। घर में ही मीरा की लाश को छिपाकर अनजान बनने का नाटक बता रहा है कि इंसान अगर चाहे तो कितनी आसानी से भरोसे को हथियार बना सकता है। इसीलिए ये हम पर है कि अपने भरोसे को लेकर हम कितने सजग रहते हैं। कितनी अजीब और डरा देने वाली स्थिति है। जिस मीरा के लिए सुदीप परेशान है, उसकी लाश उसी की आंखों के नीचे है। जरा सोचिए, भरोसे का ये भ्रम अगर अब भी नहीं टूटा और सुदीप ने अवनी से शादी कर ली तो अंजाम क्या होगा? क्या सुदीप और मीरा के परिवार को कभी पता चल पाएगा कि मीरा के साथ क्या हुआ? अच्छा सुनो, नेक्स्ट वीक रोका है तो प्लीज शाम को थोड़ा सा जल्दी आ जाना, और भूलना मत, वैसे भी आजकल तुम कुछ ज्यादा ही भूलने लगे हो। और हाँ सुनो, शाम को शॉपिंग भी करनी है और लोगों को इनवाइट भी करना है। सुदीप का? वो आप उधर। मीरा दीदी कहाँ है?
वहां छिपा के रखा है उनको। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? मीरा कहाँ है ये तो हमें भी नहीं पता है, खुद परेशान है उसे ढूंढने के लिए। हाँ वो तो दिख रहा है आप कितना परेशान है। देखिए आपको मोबाइल पे भी समझाया था, अभी भी समझा रहे हैं। बता दीजिए मीरा दीदी कहाँ है, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम बता रहे हैं। उंगली किसको दिखा रहे हो? हाँ आप तो बीच में ना ही बोलिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और आप जल्दी से जल्दी हमारी दीदी को खोजिए, वरना अभी तक तो मुंह से बात कर रहे हैं, आगे हाथ पैरों से करेंगे। और अब अगर तुम यहाँ दोबारा दिखे ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मीरा को कुछ हुआ ना तो देख लेना। तो कैसी बात कर रहे हैं, इस वक्त हमें मीरा को ढूंढना है, हमें मिलकर ढूंढना चाहिए ना। मैं समझ सकता हूँ आप क्या गुजर रही है। हेलो मीरा, किधर हो तुम? हेलो सुदीप सर बोल रहे हैं क्या? जी आप कौन? साहब हम सुंदरलाल यादव बोल रहे हैं साहब। सुंदर साहब, कल सुबह हम अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे ना साहब, तो हमारी गाड़ी की पीछे वाली सीट पे साहब ये मोबाइल मिला साहब। ये देखिए ये मेरी वाइफ है, यही थी क्या? साहब अब ठीक से तो याद नहीं है साहब, 500 सवारी हमारी ऑटो में आती जाती है साहब, कैसे याद रहे? शुक्रिया। पंकज ये तो पक्का है मीरा गांव तो नहीं गई है, मैटर सीरियस है। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम जब तक को मीरा 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 क्यों करते रहते हो? हाँ वो अपनी मर्जी से गई है ना, तो जाने दो ना उसे, तुम्हें क्यों इतनी पड़ी हुई है उसकी? हमारी लाइफ के बारे में तो तुम्हें सोचना है नहीं, बट जब से मीरा गई है तब से बस उसकी डिटेक्टिव गिरी में लगे हुए हो तुम। यार गई है तो जाने दो ना उसे यार, वो कितनी गैर जिम्मेदार है कि तुम्हें बिना बताए के चली गई है, और ऊपर से तुम हो कि उसके कारण अपना खून सफेद किए बैठे हो। पता नहीं क्या होगा इसका, जबकि अब भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी प्रॉब्लम, पता नहीं प्रॉब्लम कब खत्म। ये स्टॉप इट यार, तुम्हारा घर भी बंद होगा कि नहीं यार? मेरी वाइफ थी, गायब है 3 दिन से, कुछ समझ है तुमको? जस्ट कम आउट ऑफ योरसेल्फ यार। तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उस दिन के बारे में तुम्हें कुछ कहना है? और मैं भी तुम्हें लास्ट टाइम बता रही, अब दोबारा मत पूछना ओके? वो यहाँ आई थी, हमने बातें की थी, उसे जाने के लिए लेट हो रहा था तो मैंने उसके लिए टैक्सी बुला ली थी, और फिर वो टैक्सी में बैठ के यहीं से डायरेक्टली चली गई थी। और प्लीज हाँ अब पुलिस से इंक्वायरी करना बंद करो। इंक्वायरी करना कैसे बंद कर दूं? जब तुमने उसे टैक्सी में बिठाया था तो उसका फोन ऑटो में कैसे मिला? ये मुझे कैसे पता होगा, मेरी आंखों में क्या दूरबीन लगी है कि मुझे दूर का दिखाई देगा? यार टैक्सी में तो मैंने उसे बिठाया था, हो सकता है कि टैक्सी खराब हो गई और वो फिर ऑटो में बैठ गई हो और ऑटो में उसका फोन छूट गया होगा। कॉमन सेंस यार, हो सकता है ना ऐसा? मतलब इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ एक ही समय पे, Nothing unusual. It's rare. Our option is अब पुलिस को ही बताना पड़ेगा, लेकिन वो भी ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। बाद में ये मत कहना I did not warn you. बिटिया कब से बेल बजा रहे हैं?
कोई है ही नहीं लगता घर पे, कपड़ा लेके आए थे? दीदी बाहर गई है, मैंने देखा था। चाबी मेरे पास है, मेरे को दे दो। ठीक है, गिन लीजिए, 14 कपड़े हैं। ठीक है। क्या कर रहे? तुम क्या कर रही हो? मैं वो कचरा फेंकने के लिए आई थी। यहाँ पे? हाँ। इतनी रात को? हाँ तो? क्या छुपा रही है? मैं रंग के हाथों पकड़ने आया था तुम्हें, क्योंकि मुझे पता था तुमने मीरा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की। ऐसी बकवास कर रहे तुम? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? बोलो उसे। जब मैंने बोला उसमें कचरा, तो क्यों बार बार पूछ रहे हो क्या है क्या है क्या है? बोला ना कचरा है। बोलो। नहीं खोलना है ना? पीछे देखो, बन गए थे ना उसके। वो हमारे बीच में नहीं आती तो उसका बच्चा हमारे बीच में आ जाता। उसके कारण मुझे छोड़ के चले जाती। मैं तुम्हारे बिना क्या करती सुदीप? सुदीप, मुझे पता था तुम पहले से ही सन की औरत। मीरा मीरा मीरा, दिमाग खराब कर दिया था मेरा, मार दिया ना बिचारी को। क्या बिगाड़ा था उसने? वो भला उस ऑटो वाले का जिसने मुझे फोन करके मीरा का फोन दिया जो तुम उसके ऑटो में भूल के आ गई थी। आप बड़े ईमानदार आदमी हैं, आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, एक मिनट सर, ये कौन है? क्यों? अरे साहब, यही तो वो मैडम थी जो हमारे ऑटो में बैठी थी। अच्छे से देखो। अरे साहब, अभी ये फोटो देखा तभी तो याद आया। तो उस ऑटो वाले की वजह से मुझे आधा सच पता चला। पूरा सच जानने के लिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा, ताकि तुझ पागल पे मैं नजर रख सकूं, ताकि किसी और को तुम सनकी ना बना सको। मीरा तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन तुझे जेल में डालकर उसकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी।
अवनी नहीं चाहती थी कि उसके और सुदीप के बीच कोई भी आए। वो नहीं समझ पाई कि किसी से प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि उसके अलावा बाकी हर शख्स से नफरत की जाए। ऐसी खुदगर्जी, ऐसा स्वार्थ किसी को खुश नहीं रख सकता। मीरा को मारकर उसकी लाश ठिकाने लगाने का जो तरीका अवनी ने अपनाया, वाकई दिल दहला देने वाला है। भला उस सतर्क और ईमानदार ऑटो ड्राइवर का जिसने सुदीप को वक्त रहते संभलने का मौका दे दिया, वरना अवनी घर की मेड सुनीता को भी नहीं छोड़ती। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। खतरा सुदीप पर भी था, आज नहीं तो कल वो भी अवनी के निशाने पर आता ही। लेकिन शुक्र है कि सच की भनक लगते ही उसने समझदारी दिखाई। अदालत ने अवनी को मीरा की हत्या का दोषी मानते हुए उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। आज सुदीप को एहसास है कि उसने अवनी को पहचानने में कितनी बड़ी भूल की, लेकिन यह एहसास अफसोस के साथ आया है। मीरा की कमी उसे जिंदगी भर खलेगी। इसीलिए कहते हैं कि इंसान के व्यवहार और हाव भाव पर पैनी नजर रखिए, उसकी नीयत का पता चल ही जाएगा। सावधान रहिए, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।